वेल हे गाइस, हियर साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी यूनिक बेल्ट में स्वागत है। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपका कॉलेज जो है वो कहाँ पर है, आपका कॉलेज गवर्नमेंट है या ऑटोनॉमस है, आपके टेंथ में कितने परसेंट थे, आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंट थे। और इसके ही साथ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो PNST का 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब जो 2021 का जो एग्ज़ाम है वो 2022 में हो रहा है, उसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना, और मेरा भी चल रहा है फर्स्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर ही एग्ज़ाम पास किया है। मेरा जो ट्वेल्थ है वो 2020 में हुआ है, और ये जो एग्ज़ाम था, मतलब मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो 2020 का ही दिया था, जो कि 2021 में हुआ था, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम निकाल लिया था। और इसके साथ ही ट्वेल्थ में मेरे परसेंट थे 82% एंड टेंथ में मेरे जो परसेंट थे वो थे 93%। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 2022 में होने वाले PNST एग्ज़ाम, जो कि 2021 का है, के कट ऑफ की। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से कट ऑफ जो है वो इस तरीके से है, मतलब इससे एक दो अंक या फिर तीन चार अंक ऊपर नीचे हो सकता है, पर मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से कट ऑफ ये होना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जनरल की। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो होगा 76+। अब हम बात करेंगे OBC की। OBC का जो कट ऑफ है वो होगा 75 से 76। ST का जो कट ऑफ होगा वो होगा 73 से 74। और SC का जो कट ऑफ है वो होगा 72 से 73। एंड इसके साथ ही EWS इकोनॉमिकल बी स्टूडेंट है ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्टूडेंट होते हैं उन लोग का जो कट ऑफ है वो होगा 70 से 71। फ्रेंड्स, लेकिन मैंने जो ये जो कट ऑफ बताया है ये तभी मान्य होगा, मतलब जब ओनली DME कॉलेज की काउंसलिंग होगी। यदि DME और DHS दोनों की काउंसलिंग होती है तो कट ऑफ डिफरेंट होगा। DME में टोटल 810 सीट है, और 810 सीट की काउंसलिंग होती है तो कट ऑफ जो मैंने बताया है यही रहेगा। और यदि DHS की काउंसलिंग भी इसमें जुड़ जाती है, मतलब DHS की सीट भी इसमें ऐड हो जाती हैं, तो कट ऑफ जो होगा वो कुछ और रहेगा। तो DME की 810 और DHS की 570, टोटल सीट हो गई 1380। तो अगर 1380 सीट रहती हैं तो फिर कट ऑफ कुछ और रहेगा। इस कंडीशन में कट ऑफ होगा जनरल का 73 से 74, OBC का होगा 72 से 73 एंड ST का होगा 69 से 70, SC का होगा 68 से 69 एंड EWS का होगा 68। इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, बट मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कट ऑफ इतना ही रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने मतलब काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सभी को ये तो बता दिया है कि DME अगर रहेगा तो कितना कट ऑफ होगा, और दोनों रहेंगे तो कितना कट ऑफ होगा। लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग अपना टारगेट 80+ लेकर चलें। यदि 80+ या 75+ अगर आप लेके आते हैं, आप ST हो, SC हो, OBC हो या कोई भी कैटेगरी से हो, तो आपका सिलेक्शन 100% है। तो लग जाइए, अभी भी आपके पास 15 दिन है, आप इजीली इतने मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको PNST से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और जो भी टेलीग्राम में चैनल में नहीं जुड़ा हुआ है तो वो भी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकता है। इसकी लिंक जो है मैंने पिन कमेंट में दे दी है।